तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ब्लॉगर में अबाउट अस, कंटेक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी कैसे लगाना है, इसका पेज कैसे क्रिएट करना है, इसी का जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इससे होगा क्या कि आपको जो है एडसेंस का अप्रूवल जो है बहुत ही जल्द मिल जाएगा। ठीक है, जब एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा तो आपके ब्लॉग पर ऐड दिखेगा। ठीक है, जब ऐड दिखेगा तो उससे अर्निंग होगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, प्राइवेसी पॉलिसी है, तो इसी का पेज जो है क्रिएट करने के तरीके में आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि blogspot.com पे जो है एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है। बाकी इस ब्लॉग के ऊपर जो है ऐड भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड, और उसके बाद जो है नीचे भी आपको ऐड दिख रहा होगा। और भी ऐड मैं आपको दिखा देता हूँ, तो नीचे की ओर आना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पे भी आप एक ऐड जो है देख सकते हो, यहाँ पे है, और उसके बाद जो है आपको और भी ऐड दिख जाएगा। ठीक है, इसमें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस के पेज जो है क्रिएट करना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अगर वीडियो सही लगे तो इस वीडियो को कर देना लाइक। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने क्रिएट किया, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टेक्ट अस अबाउट अस, उसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके ऊपर जो है मैं पहली ही वीडियो में बना दिया था, लेकिन हुआ क्या कि जिस वेबसाइट से मैंने जो है ये प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टेक्ट अस अबाउट अस जो मैंने क्रिएट किया था, तो हुआ क्या कि वो वेबसाइट जो है अभी ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जो है इसी ब्लॉग के ऊपर में आना है। इस ब्लॉग का नाम है hearttouchinghindiland.blogspot.com। ठीक है, तो इस पे आना है आपको, इस ब्लॉग पे। और आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है आपको पेज क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट अस, कंटेक्ट अस, तो इस पे आपको क्लिक करके पेज को क्रिएट करना है। बाकी आपको जो है एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाएगा और आप अर्निंग भी कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि इस ब्लॉग पे जो है ऐड भी दिख रहा है, और ऊपर में आप देख सकते हो कि blogspot.com पे जो है एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, बाकी आपको ऐड भी दिखा दिया हूँ। तो चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ कि पेज कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको इस ब्लॉग पे आना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि इस ब्लॉग का लिंक जो है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस ब्लॉग पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, सबसे पहले अबाउट अस पे। क्लिक होने के बाद जो है यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है कॉपी करना है। ठीक है, इसको ये जो जितना लिखा हुआ है यहाँ से लेके और नीचे तक आपको कॉपी कर लेना है। तो चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको जो है अपने नोट में जो है इसको पेस्ट करना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो है नोट ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद जो है इसी के अंदर में आपको पेस्ट करना है, बाकी आप किसी भी नोट पैड को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो ये जो है पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पेस्ट हो गया। अब पेस्ट होने के बाद जो है अब करना क्या है, फिर से जो है आपको इसी ब्लॉग पे आना है। ठीक है, आने के बाद जो है आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है कॉन्टेक्ट अस पे आपको क्लिक कर देना है। हमने अबाउट अस पे क्लिक किया था, अब जो है कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो है ये पेज ओपन हो गया। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस का। तो यहाँ पे करना क्या है कि इसको कॉपी करना है। तो चलिए हम कॉपी कर लिया। अब उसके बाद जो है हमें करना क्या है कि फिर से जो है नोट पे जाना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि नोट ओपन हो गया। ठीक है, नोट ओपन होने के बाद करना क्या है कि इसको एंटर दबा के नीचे कर देना है, और नीचे करने के बाद जो है यहाँ पे फिर से जो है हम पेस्ट कर देंगे। तो ये जो है पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद जो है फिर से हम जाएंगे उसी पेज पे। तो हम जो है इसी पेज पे आ गए। आने के बाद जो अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे जो है प्राइवेसी पॉलिसी पे जो है क्लिक करेंगे। तो बाकी आपको ये तीन पेज बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ लो, आप जो है बहुत ही आसानी से बना लोगे, और मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आप जो है बना पाओगे। तो चलिए मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। नीचे तक जो है आपको कॉपी करना है। ठीक है, जितना भी होगा इसके अंदर में, तो ये जो है यहाँ तक है। ठीक है, आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ कंसेंट। ठीक है, तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। तो कॉपी पे हमने क्लिक कर दिया, अब ये जो हो गया कॉपी। ठीक है, कॉपी होने के बाद हम करेंगे क्या कि फिर से जो है जाएंगे नोट पे।
नोट पे आने के बाद जो है यहाँ पे फिर एंटर दबाएंगे और नीचे कर देंगे, ठीक। तो ये जो है नीचे हो जाएगा, तो हमने जो है इसको भी पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जो है अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर में जो है कुछ आपको एडिटिंग करना होगा, ठीक है। तो एडिटिंग क्या करना है वही तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर में एडिटिंग क्या करना है। एडिटिंग जो है इसमें करना ये है कि सबसे पहले आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है अबाउट अस का जो है ये पेज है इतना, ठीक है। तो इतना ये जो पेज है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है बुद्धा स्टेटस, महाकाल स्टेटस, दोस्ती शायरी, दर्द शायरी, फनी शायरी, मज़ेदार जोक्स, ठीक। तो ये जो होता है ब्लॉग का कैटेगरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको जो है अपना जो कैटेगरी होता है ब्लॉग का, ठीक है, कैटेगरी क्या होता है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है ब्लॉग ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये सब जो है कैटेगरी होता है, ठीक है। तो आपके भी ब्लॉग में जो है कैटेगरी होगा और आप भी जो है कैटेगरी के ऊपर काम करते होंगे, ठीक है। और आपको जो है कैटेगरी बना के काम करना ही पड़ता है, ठीक है, जब भी आपका ब्लॉग चलेगा। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है कैटेगरी बनाया जाता है। बाकी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, कस्टोमाइज थीम के बारे में, फुल कस्टोमाइज थीम के बारे में, और आपको जो है टेक थीम के बारे में भी बताऊंगा, और आपको जो है शायरी थीम के भी बारे में बताऊंगा। उस थीम का लिंक जो है, दोनों थीम का लिंक जो है नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, शायरी थीम का भी लिंक और उसके बाद टेक थीम का भी लिंक, ठीक है। वो जो थीम है पूरे फुल कस्टोमाइज थीम है, ठीक। तो चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ। तो यही जो है कैटेगरी होता है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है आपको कैटेगरी लिख देना है अपना, ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी लिख देना है आपको। तो आप जो है इतना समझ गए। बाकी उसके बाद जो है आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है आपको अपना जीमेल आईडी दे देना है, ठीक है, जो भी आपका जीमेल आईडी होगा वो दे देना है। तो इतना आपने समझ लिया कि आपको जो है अबाउट अस में क्या चीज़ एडिटिंग करना है, ठीक। बाकी उसके बाद जो है एडिटिंग होने के बाद जो है आप आ जाते हैं कॉन्टेक्ट अस पे, ठीक है। तो ये जो है कॉन्टेक्ट अस है। तो कॉन्टेक्ट अस में आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है आपको अपना जीमेल आईडी दे देना है सिर्फ इसमें, बाकी और कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। बाकी चलिए ये भी हो जाता है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बाकी चलिए अब बता देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, क्योंकि हमने जो है अबाउट अस के बारे में बता दिया, कॉन्टेक्ट अस के बारे में बता दिया। तो ये जो होता है प्राइवेसी पॉलिसी है, ठीक है। तो इस प्राइवेसी पॉलिसी में आपको करना क्या है कि आपको जो है एडिटिंग करना है, और क्या एडिटिंग करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है, ठीक है, आगे ब्लॉग का नाम हार्ड टचिंग हिंदी लाइन। तो आपको करना क्या है कि इसमें जो है आपको अपने ब्लॉग का नाम दे देना है, ठीक। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप जो देख रहे हो ब्लॉग का एड्रेस है ये, ठीक है। तो आपके जो भी ब्लॉग का एड्रेस होगा तो उसको यहाँ से डिलीट करके आपको करना क्या है कि अपने ब्लॉग का नाम दे देना है, ठीक। नाम देने के बाद जो है आपको करना क्या है कि नीचे आना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको करना क्या है कि नीचे में जो है आपको अपना जीमेल आईडी दे देना है, ठीक। बाकी जो है एक यही तरीका है, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टेक्ट अस अबाउट अस जनरेट करने का। तो यहाँ पे जो है आप ये चेंजिंग कर सकते हो। बाकी जहाँ जहाँ पे भी नाम होगा ना यहाँ पे दूसरे ब्लॉग का, जैसे कि लिख रहा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है हार्ट टचिंग हिंदी लाइन, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है अपने ब्लॉग का नाम दे देना है। बाकी उसके बाद जो है नीचे तक आपको आके देख लेना है, ठीक है। जहाँ कहीं पे भी हो दूसरे ब्लॉग का एड्रेस तो उसको करना क्या है कि चेंज कर देना है, और आपको अपने ब्लॉग का एड्रेस देना है, अपने ब्लॉग का नाम देना है, और आपको अपना जीमेल आईडी देना है। बाकी नीचे में आप देख रहे हो यहाँ पे webbest.com है, ठीक है। तो इसी वेबसाइट से जो है हमने क्रिएट किया था, तो ये जो है वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है। तो इस सब को छेड़छाड़ नहीं करना है, इस सब को ऐसे ही रहने देना है। बाकी इसमें जो है ये भी आप देख सकते हो, इसको भी ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब करने के बाद जो है आपको करना क्या है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपको अच्छी तरीके से एडिटिंग कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है इतना तक जो है अबाउट अस का पेज है, और उसके बाद जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है इतना कॉन्टेक्ट अस का पेज है, ठीक है। बाकी नीचे जितना भी है वो प्राइवेसी पॉलिसी है, ठीक है। तो आपको जो है एडिटिंग कर लेना है बढ़िया से, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा पेज है। तो बाकी चलिए अब मैं बता देता हूँ कि इसको जो है आपको अपने ब्लॉग पे लगाना कैसे है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ पे जो है अबाउट अस को जो है हम कॉपी करेंगे, ठीक है। इसमें आपको एडिटिंग कर लेना है, ठीक। तो इसको चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो हमने जो है कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको करना क्या है कि अपने ब्लॉग पे जाना है। तो जैसे कि ये आप देख रहे हो कि ये ब्लॉग है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है
होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो इसमें जो है आपको लगाना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है लेकिन अस नहीं लिखा हुआ है, तो वो चीज़ जो है हम सही करेंगे। यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है लेकिन अस नहीं लिखा हुआ है, तो वो चीज़ हम सही करेंगे, ठीक। तो चलिए अब करना क्या होगा कि ये जो थीम है इसके डैशबोर्ड में आपको जाना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है डैशबोर्ड ओपन हो गया। ओपन होने के बाद जो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको पेज पे क्लिक कर देना है, ठीक। पेज पे क्लिक होने के बाद जो है आपको करना क्या है कि ऊपर में जो है न्यू पेज पे क्लिक कर देना है। न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है आपको पेस्ट कर देना है, ठीक। जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद जो है आपको यहाँ पे टाइटल में कुछ देना नहीं है, ठीक है। बाकी आप दे सकते हो टाइटल में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ है अबाउट अस। तो चलिए मैं इसको करूँगा क्या कि यहाँ पे जो है कॉपी कर लूँगा, ठीक। कॉपी इसलिए करूँगा, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों कॉपी मैं कर रहा हूँ। तो इसको जो है कॉपी कर लूँगा। कॉपी होने के बाद जो है आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको पब्लिश कर देना है, ठीक है। इस पे जो है पब्लिश कर देना है। बाकी यहाँ पे आपको सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसमें जो है आप सर्च डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। सर्च डिस्क्रिप्शन देना इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर आप रैंक करवाना चाहते हो इस पेज को, ठीक है, गूगल में, तो आपको जो है सर्च डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। जैसे कि हम जो है सर्च डिस्क्रिप्शन देंगे तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है बुद्धा स्टेटस, महाकाल स्टेटस, ठीक है। चलिए मैं करता क्या हूँ कि सर्च डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूँ। बाकी आपको अगर देना होगा तो दे भी सकते हो और नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ब्लॉग अप्रूव हुआ है गूगल एडसेंस के लिए, तो हमने जो है सर्च डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था क्योंकि हमें जो है ब्लॉग का जो ये पेज है इसको रैंक नहीं करवाना है, हमें जो है सिर्फ ब्लॉग को रैंक करवाना है। मगर फिर भी जो है चलिए मैं यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ। अब इतना करने के बाद जो है आप चाहो तो ऊपर में टाइटल भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन टाइटल दोगे तो होगा क्या कि जब आपका ये पेज ओपन होगा तो आपके तो वहाँ पे जो दिखेगा तो डबल डबल जो है अबाउट अस दिखेगा। आप यहाँ पे भी दे दोगे, ठीक है, अबाउट अस, और ऊपर में भी लिख दोगे अबाउट अस, ठीक है, तो होगा क्या कि डबल डबल दिखेगा। तो चलिए हम जो है ऊपर में नहीं देंगे, टाइटल के अंदर में इतना ही हमने कर, तो इतना ही जो है हमने लिख दिया। अब उसके बाद जो हम करेंगे क्या, यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देंगे, ठीक, और यहाँ पे जो है फिर जो है कन्फर्म पे क्लिक कर देना होगा। तो ये जो है कन्फर्म हो गया, ठीक है, और ये जो है पब्लिश हो गया। पब्लिश होने के बाद जो है यहाँ पे करना क्या है कि व्यू पे क्लिक कर देना है। व्यू पे क्लिक होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है पेज ओपन हो गया। ओपन होने के बाद जो है आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है आपको इस लिंक को, ऊपर में जो लिंक है इसको कॉपी कर लेना है, ठीक। तो चलिए हम जो है कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जो है हमें करना क्या है कि फिर से जो है डैशबोर्ड में जाना है। तो हम जो है डैशबोर्ड में आ गए, ठीक है। बाकी हम कहाँ पे इसको सेट करने वाले हैं, तो यहाँ पे ये जो अबाउट अस है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है अबाउट अस में हम सेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है डैशबोर्ड ओपन हो गया। उसके बाद जो है हम यहाँ पे करेंगे क्या कि लेआउट पे क्लिक कर देंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखो, जब भी आप जो है ये काम कर पाओगे। तो यहाँ पे जो है हमने लेआउट को ओपन कर लिया। लेआउट को ओपन करने के बाद जो है हम करेंगे क्या कि यहाँ पे जो है वो एरिया खोजना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो एरिया है, तो यहाँ पे जो लिखा हो टॉप नेविगेशन, ठीक है, इसी में आपको मिलेगा, ठीक है। कौन सा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो लिखा हुआ है होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ये चीज़ जो है आपको वहीं पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा टॉप नेविगेशन में। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा एडिट पर। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि तीनों के तीनों जो है ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन आने के बाद जो है आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, और ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे कि यहाँ पे चलो मैं एक काम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि अबाउट लिखा हुआ है, ठीक है, चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और इसमें जो है नया से मैं आपको बना के बता देता हूँ। बाकी आप इस सब को डिलीट करके आप अपने मर्जी से यहाँ पे जो है एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है हम करेंगे क्या, न्यू साइड पे, ठीक है, अबाउट अस लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि अबाउट अस मैंने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम जो लिंक को कॉपी किए हैं उसको करेंगे क्या कि यहाँ पे जो है पेस्ट करेंगे, ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम उस लिंक को पेस्ट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे पेस्ट हो गया।
और इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले नंबर पे हुआ क्या कि अबाउट अस लिख के आ गया, ठीक है। नीचे जो है ऐड लिंक पे हमने क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है अबाउट अस आ गया। आने के बाद जो है हम इसको कर देंगे सेव। बाकी आपको करना क्या है कि प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है एक मैंने आपको समझा दिया, बाकी आप जो है खुद ही काम कर लोगे। तो चलिए इतना करने के बाद जो है करना क्या है कि सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये जो है सेव हो गया। सेव होने के बाद जो है अब हम करेंगे क्या कि थीम को ओपन करेंगे। तो नीचे में जो है व्यू ब्लॉक पे हम क्लिक करेंगे। तो व्यू ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद ये जो थीम है ओपन हो गया, ठीक है। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि अबाउट अस जो है यहाँ पे लिखा के आ चुका है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक होने के बाद जो है नीचे आप देख सकते हो कि अबाउट अस का पेज ओपन हो गया है, ठीक है। तो चलिए यही जानकारी देना था आपको और इसी तरीके से काम करना है आपको। अगर आपको थीम डाउनलोड करना है शायरी ब्लॉग के लिए या टेक ब्लॉग के लिए, तो आपको जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आपको इस ब्लॉग पे आना है तो इस ब्लॉग का भी लिंक जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस ब्लॉग पे आ सकते हो। बाकी चलिए इसी प्रकार से हमने काम किया था तो हमें जो है एडसेंस का अप्रूवल मिला और मेरे ब्लॉग पे जो है एड भी आ रहा है, ठीक है, इससे अर्निंग भी हो रही है। तो चलिए यही जानकारी देना था आपको। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पर ब्लॉगर से रिलेटेड जो भी वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं अगले वीडियो में।